हेलो एवरीवन। और अभी जैसे देख रहे हैं आपकी 1 दिसंबर 2023 से जो है बहुत सारे जीमेल अकाउंट जो 2 साल पुराने जीमेल अकाउंट है जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हुई है तो वो डिलीट हो जाएंगे। ये जो है गूगल की तरफ से जो एक जो मैसेज था या कुछ, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं ये सच भी है। और आप इसको देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ये वायरल भी हो रहा है और इसमें कई सारे हैं जो अकाउंट जो इनएक्टिव जो बोल सकते हैं जीमेल है वो जो है डिलीट हो जाएंगे। तो इसे किस तरह से एक्टिवेट रखना है और किस तरह से इसे जो है डिलीट होने से बचाना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल घबरा जाएं कि भाई मेरा कहीं जीमेल डिलीट तो नहीं हो जाएगा या मैं इससे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। देखिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सिंपल से स्टेप्स हैं। और देखिए वैसे तो मैं भी कई करीबन 10-12 साल से जो है 15 साल से लगभग जो है 4-5 अपने कंटिन्यू जीमेल अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्टिव है, राइट। वो एक्टिव इसलिए कि उसमें कुछ ना कुछ मेरी एक्टिविटी है, इसीलिए वो कभी भी डिलीट नहीं होंगे क्योंकि उससे 2 साल से भी ऊपर क्या मुझे तो करीबन 10-15 साल हो चुके हैं उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, देखिए बहुत सारे अकाउंट हो जाते हैं तो ये अगर रियल न्यूज़ भी है और है ही एक्चुअल में रियल, कोई उसमें गलत नहीं है, और 2 साल जिनको हो चुके हैं जिनके अकाउंट में और किसी तरह से उन्होंने एक्टिविटी नहीं की है तो वो डिलीट होंगे। अब यहाँ पर अभी कई सारे हमारे ऑन पैसिव की बात पे भी आते हैं कि ऑन पैसिव लोग थे जिन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले 4 साल पहले कहीं ना कहीं जो है जीमेल के अकाउंट बनाए थे, राइट। और जीमेल के अकाउंट जो है उन्होंने बना तो लिए हैं लेकिन अभी कई लोग उसे ओपन नहीं करते हैं या देखते नहीं है। सिंपली उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है आपको कि बिल्कुल आपके भी डिलीट हो जाएंगे। आपको उसको एक्टिवेट रखने के लिए एक सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कुछ ना एक थोड़ा सा कुछ मेलिंग वगैरह कर दीजिए कहीं भी किसी भी और मेल पर जो है मेल कर दीजिए। इसके अलावा या फिर आप जो है एक ऑप्शन और इसमें कर सकते हैं कि आप कुछ भी जैसे कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे आप गूगल का कहीं आप जैसा मोबाइल लिया आपने कहीं भी तो उसमें सर्च इंजन बार वगैरह में जो भी आपका जीमेल वो डाल दीजिए, राइट। तो आपका वो कभी भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो एक्टिव जीमेल की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये 2-4 स्टेप्स हैं, बस सिंपल ही है, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। वैसे तो ये बात है कि आप लोग जो है सबसे ज़्यादा जो जीमेल का यूज़ आजकल करने लगे हैं खासकर ऑन पैसिव के लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने किसी और से जीमेल बनाई, उन्हें पता ही नहीं था कि ये जीमेल नाम की भी कोई चीज होती है। आपको मैं रियल बात बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं उन्हें पता ही नहीं था जीमेल में अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ऐसे कैसे यूज करते हैं। तो उनको भी मैं बोलूंगा कि देखिए आप यूज कर दें या नहीं करें लेकिन आपकी उसमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो हो रही है, आपको उसमें मेल आ भी रहे हैं और आप भी उसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर 2 साल से ऊपर हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं तो उसको जो है आप कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्टिविटी करते रहिए, एक आधी कोई मेल वगैरह कर देंगे तो सिंपल ये हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, और 2-1 साल भी हो गए तो नो प्रॉब्लम, 2 साल से ऊपर हो चुका है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने जितने भी जो इनएक्टिव लोग हैं अगर ओवरऑल देखें तो देखिए एक्टिव अगर लोग हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, वो तो जानते हैं सिंपल सी ये प्रोसेस होती है। लेकिन उसमें जो है जो इनएक्टिव लोग हैं जिनको पता नहीं है तो वो ज्यादा घबराएंगे, यहां पे उन्हें लगेगा कि यार कहीं मेरा तो नहीं जीमेल हो जाएगा। अगेन बता रहा हूं 2 साल या उससे ऊपर अगर हुआ है तो ही उनके जीमेल होंगे, वो भी अगर इनएक्टिव है मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अब आप यहां ये भी बोलेंगे कि यार मैंने तो ऑन पैसिव में जो है मेरा जीमेल ऑन पैसिव के लिए एक स्पेशल जीमेल बनाया था और अल्टरनेट जीमेल में जो है मैंने अपना यही वाला जीमेल दिया था लेकिन मैंने उसे जब ओटीपी आया था तभी उसे खोला था या ये किया था तो वो भी एक एक्टिव के उसमें आ गया है, मतलब आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर रहे हैं। और जीमेल का जब आप यूज़ तो कर ही रहे होंगे, कई लोगों ने जैसे विड्रॉल भी लगाए होंगे तो विड्रॉल जब आप लगाते हैं तो आपका ओटीपी ज़रूर जाता है आपके जीमेल के ऊपर, राइट। तो वो जाता है, उसके बाद में आप जो है विड्रॉल ले पाते हैं तो उनके अकाउंट में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जीमेल को यूज़ कर रहे हैं। कई लोगों ने जो 2-3 साल पहले अकाउंट बना रखे थे जीमेल के और उसको अगर खोला भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से ओपन कर रहे थे तो कुछ ना कुछ उनकी भी एक्टिविटी काउंट हो रही है, तो मतलब उनका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड उनको है, उनको डिलीट होने का कोई चांस नहीं है। तो आप भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका भी कोई डिलीट होने वाला नहीं है, बस 2-4 छोटे मोटे 1-2 मेल कर दीजिए, सिंपल ये हो जाएगा। तो इसमें कई लोग घबरा गए थे कि भैया मेरा तो नहीं डिलीट हो जाएगा, तो जस्ट रिलैक्स रहिए और आने वाले दिनों में तो बहुत बढ़िया ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हमें शायद जीमेल्स की जरूरत ना पड़े, ओमेल जो है हमारा खासकर ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर के बारे में बताऊंगा कि आपके पास ओमेल ही आने वाले दिनों में बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू होने वाली है। तो ये अगर फ्यूचर की बातें, लेकिन अगर आपका पुराना
अपना जीमेल है उसको यूज कर रहे हैं तो भाई उसको भी यूज कीजिए, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट जो चीज है और उसकी वैल्यू जो है कई लोगों को अभी ऑन पैसिव में आने के बाद पता चली कि भाई जीमेल का भी इतना वैल्यू होता है, लेकिन जो लोग इसकी वैल्यू को जानते थे वो तो इसमें ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए। और मैंने अपने व्हाट्सअप का जो चैनल है उसका लिंक दे रखा है, कई लोग मुझे व्हाट्सअप का नंबर मांगते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर वहां पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल फटाफट मिलने लग जाए। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।